भाइयों, हमने लास्ट पढ़ लिया था नेस्टेड फॉर लूप तक हमने पढ़ लिया था। अच्छा, हमने लूप चलाने के ना देखा था कि तीन तरीके मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट में, बल्कि अब तो और भी आ गए एक दो। नंबर एक है फॉर लूप, नंबर एक दो है वाइल लूप, और नंबर तीन है डू वाइल लूप। ठीक है, अच्छा मेन कॉन्सेप्ट हमें फॉर लूप का अगर समझ आ गया तो वो तीनों आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ जिक्र की थी, वो VS Code भी ओपन कर लेता हूँ। हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जिक्र की थी कि भाई वैलिडेशन लगा लेनी चाहिए हमें। उसके अलावा लूप को लिखते वक्त हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस सोची थी कि लूप हमेशा किससे स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अच्छा, एक बेस्ट प्रैक्टिस और भी है, वो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम फॉर लूप को यूज़ ही ना करें इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल हो, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं होता कि हम फॉर लूप को यूज़ ना करें। अच्छा, जहाँ पे पॉसिबल हो ना वहाँ पे अब एक चीज़ और है, वो हम देखते हैं, निस्बतन आसान है वो फॉर लूप से। अच्छा, मैंने कहा भाई H1 एरे में, और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगा के जावास्क्रिप्ट कुछ लिखना चाहिए मैंने। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वार तो खैर हटा देता हूँ, वार हम यूज नहीं करते, लेट यूज करते हैं। लेट ARR कोई भी एक एरे है, उसके अंदर कुछ नंबर्स यहाँ पे रखे हैं, सही है। अब इन नंबर्स पे मुझे क्या करना है, आइटरेट करना है। एक तो तरीका मेरे पास क्या था, फॉर लूप, सही है। एक ये तरीका भी मौजूद है, मैप। अच्छा, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मैं मैप चला सकता हूँ? मैप चलाने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे ARR.map लिखना है, सही है, और उसके अंदर ये मुझे फंक्शन एक यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन में ये आइटम मिलेगा, ये इंडेक्स मिलेगा। आइटम में क्या मिल रहा होगा, एक एक जो एलिमेंट है ना वो, ये फंक्शन कितनी दफ़ा घूमेगा, जितने एरे की लेंथ है उतनी दफ़ा ऑटोमेटिक घूमेगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है इसको। इंडेक्स में हर दफ़ा क्या मिलेगा, पहली दफ़ा में 0, फिर दूसरी दफ़ा में 1, फिर 0, 2, सही है। ये बाई डिफ़ॉल्ट 0 बेस है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक 0 से ही मिल रहा होता है। ठीक है, और आप उसके अंदर जो भी करवाते रहें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मसला ये है कि इसको आप जैसे एरे में ना एक 5 एलिमेंट है मेरे एरे में इस वक्त, तो अब ये 5 से कम नहीं घूमेगा, ये 5 ही घूमेगा जो मर्जी कर लो आप, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते बीच में। फॉर लूप में हमने देखा था बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं, कोई सर्टन कंडीशन हो, मैंने कहा इफ़ अगर ऐसा ऐसा हो जाए ना तो ब्रेक करके लूप ही ख़त्म कर दो यहाँ पर, तो इसमें वो नहीं कर सकते आप। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे मुझे पूरे एरे पे ही आइटरेट करना है हर हाल में, वहाँ पे मैप मेरे लिए बड़ा आइडियल रहता है, तो मैप वहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, जैसे कि मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि दो मैट्रिक्स को अगर मैं सम कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं हर इंडेक्स पर जाऊँ हर दफ़ा। ऐसा नहीं होगा कि कभी मैं आधे मैट्रिक्स पर ही करके मैं पूरा कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऑन अदर हैंड जहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास 1000 आइटम का एक एरे मौजूद है, उसमें मैंने क्या करना है, कुछ सर्च करना है,
तो उस केस में फिर ऐसा होगा कि हो सकता है जो मैं सर्च कर रहा हूँ जिस आइटम के लिए वो शुरू के 10 एलिमेंट में ही मिल जाए, तो मैं वहाँ पे ब्रेक करना चाहूँगा, मैं लूप को रोकना चाहूँगा अपनी जो प्रोसेसिंग पावर है उसको बचाने के लिए, क्योंकि लूप जितनी दफ़ा घूमेगा वो सीपीयू तो इस्तेमाल कर रहा है। तो अपनी प्रोसेसिंग पावर को बचाने के लिए या अपनी बिजली को बचाने के लिए मैं उसको चाहूँगा कि अच्छा यार मिल गया है जो सर्च कर रहा ना, रोक दो इसको। मैप में ऑन अदर एंड क्या होगा, वो आखिर तक जाएगा हर हाल में। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। इस तरह के और भी छोटे छोटे दो चार हैं, जाहिर है वो वक्त के साथ साथ आपको पता चलते रहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा क्या उसको बोलेंगे हम, डिसीजन मेकिंग डिफरेंस है कि जहाँ पे आपको एरे पूरे एरे पे मूव करना हो हर दफ़ा, वहाँ पे आप मैप बड़े इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप से आप कोशिश करें कि बचें, क्योंकि फॉर लूप में मसला क्या है, एक तो मसला उसमें यह है सब में बड़ा कि वो इन्फिनिटी हो जाता है बड़े आराम से। ज़रा सी आपने कुछ आगे पीछे किया वो इन्फिनिटी। अभी आप लोगों ने नेस्टेड लूप में खेला है तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई होगी, आप लॉजिक बिल्कुल सही लिख रहे हैं लेकिन वो इन्फिनिटी हो जाता है, सही है, पता नहीं चलता आपको क्यों हो रहा है। मैप के अंदर वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैप को पता है कि कितनी लेंथ है एरे की, उससे ज़्यादा वो घूमेगा ही नहीं, फिक्स उतने पर ही घूमे, ना कम ना ज़्यादा। तो इसमें ये वाला एक लिबर्टी होती है कि अगर आपने कोड कुछ आगे पीछे भी कर दिया तो इन्फिनिटी ये कभी भी नहीं होगा। तो अब ये मेरे पास एरे है, मैंने कहा कि एरे का नाम डॉट मैप। अच्छा, ये एरे के नाम पे जो डॉट करके लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? डॉट पुश, डॉट पॉप, एरे के नाम पे करके डॉट करके लगा देते हैं ना, ये फंक्शन तो नहीं कहते, वैसे तो है ये फंक्शन ही, लेकिन इसका एक नाम होता है। फंक्शन तो है ये बाय द वे, लेकिन इसका एक नाम होता है। ये पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट जो पढ़ा था ना, वो क्या थे सारे? प्रोटोटाइप थोड़ी थे। नहीं यार, एट्रीब्यूट तो एचटीएमएल में होता है, क्या कर रहे हो? एरे के मेथड्स थे वो, एक चैप्टर था एरे मेथड्स, उसके अंदर ये पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट ये सब उसमें था। ठीक है, तो ये जो मैप है ये भी एरे का एक मेथड है। ठीक है, आप एरे के अलावा किसी और चीज़ पर डॉट लगाएंगे ना तो आपको ये मैप उस पर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एरे पे ही डॉट लगा के मिलेगा आपको। तो ये एरे का क्या है, मेथड है। अच्छा, तो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा arr डॉट मैप, और अंदर आके मैंने कहा भाई कंसोल करो, आइटम को कंसोल करो और इंडेक्स को कंसोल करो। सही है, ये मैंने कह दिया। आइटम में क्या कंसोल होगा, 1 2 3 4 5, और इंडेक्स में क्या होगा, 0 से लेके 4 तक। तो अब इसको ज़रा चला के देख लिया जाए। कंसोल पे क्योंकि मैंने चलाया है तो मुझे वहीं दिखेगा। ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा इसको भी हटा देता हूँ, बुक को इधर कर देता हूँ, कोड को और उसके रिजल्ट को इधर कर देता हूँ। अच्छा देखो, ये वाला कौन सा था, जो पहला था आइटम था, उसमें 1 से लेके 5 तक हो गया, इंडेक्स में 0 से लेके 4 तक हो गया। अब मैं इसके आइटम को ना चेंज कर देता हूँ, कुछ लोगों के नाम वगैरह लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, और ये मैंने कुछ नाम वगैरह लिख दिए। अब मुझे आइटम में क्या मिलना शुरू हो जाएगा, एलिमेंट में जो भी है अभी स्ट्रिंग है, नाम है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। चलते हैं जी। ठीक है, देखो आइटम मिल रहा है और इंडेक्स लेकिन अपनी जगह है, 0 से ही शुरू होगा वो, इंडेक्स को मैं छेड़ नहीं सकता। अब मेरे पास अगर एक आइटम में इसमें ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा लास्ट में, तो क्या होगा, फिर मुझे 0 से लेके 5 तक मिलेगा, यानी टोटल 6 इंडेक्स हो चुके हैं अब तक। आसान था ये, मुश्किल तो नहीं है। ये एक अदद एरे है, एरे पर डॉट लगाया मैप, इसके अंदर एक फंक्शन पास कर दिया। अच्छा फंक्शन, ये जो नाम से लिखते हैं ना फंक्शन, अभी अगला टॉपिक हमारा फंक्शन ही है भाई दादा। तो अब इसकी जगह ना एक ऐसे एरो भी लगा सकते हैं, ये ES6 के अंदर ये चीज़ आपके पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेहतर सिंटैक्स है, यानी जदीद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये वाला सिंटैक्स यूज होता है।
वेल, तो ए आर आर डॉट मैप लिखना है, उसकी ब्रैकेट ओपन होगा ए आर आर मैप का, उसके अंदर क्या किया हमने, ये फंक्शन ऐसे पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन मैं यहाँ पे ऐसे पास करूँ, मैं इस फंक्शन को कट करके इसको मैं अलग से भी बना सकता हूँ यहाँ, ठीक है। मैंने कहा लेट माई फंक्शन इक्वल्स टू, ये मैंने बना दिया अलग से, इसको बल्कि ऊपर ले जाना होगा मुझे, ठीक है, ये मैंने अलग से बना दिया फंक्शन, और ये माई फंक्शन को यहाँ पे ऐसे पास कर दिया मैंने। तो ये भी तरीका सही है, लेकिन आमतौर पे लोग वहीं पे फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, मैंने कहा ए आर आर डॉट मैप और माई फंक्शन दे दिया। अब माई फंक्शन के अंदर ये आइटम और इंडेक्स मुझे उसी तरह मिलेंगे। ये माई फंक्शन कितनी दफ़ा चलेगा, जितने उस एरे में इंडेक्सेस होंगे उतनी दफ़ा चलेगा, ठीक है। इसको भी एक दफ़ा हम चला के देख लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम किया जाता है, जो पहले वाला जो तरीका था उसी को लोग ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। देखो कोड बिल्कुल उसी तरह से चला है, लाइन नंबर 2121 पे ये कॉन्सोल आ रहा है, ठीक है। पहले ये लाइन नंबर 20 पे आता था, तो अभी ये देखो लाइन नंबर 21 पे ये कॉन्सोल है, तो ये वहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ, जो ज़्यादा बेहतर तरीका है, जिसको ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, वो यही तरीका है जिसको ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, कि एरे डॉट मैप लगा के और इसी में ही फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ तक किसी का मैप में कोई सवाल? जी दोस्त, नहीं ब्रेक नहीं कर सकते। अब मे भी हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इंटरनल चीज़ हो, कोई जुगाड़ हो, लेकिन ये है कि वैसे आपको बुक्स में नॉर्मली कोई ऐसा तरीका नहीं मिलेगा। जैसे ब्रेक है ना, वो जहाँ पे भी फॉर लूप पढ़ोगे ना, ब्रेक लाजमी वहाँ पे डिस्कस होगा, लेकिन इसका ऐसा कोई तरीका नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर इसको हटा देंगे तो फिर आपको ये मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम बाय द वे लेकिन आपकी मर्ज़ी का होता है, जो आइटम है ना उसके जगह पे मैं लिखना पसंद करता हूँ ईच आइटम, सही है, ईच आइटम लिखना मैं पसंद करता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है ये। और इंडेक्स की जगह पे मैं सिर्फ आई लिख देता हूँ, क्योंकि फॉर लूप में आई से पता चल जाता है कि इंडेक्स है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा होता हूँ। ज़ाहिर है फिर जिस नाम से लिखेंगे उसी नाम से ही मिल भी रहा होगा, तो उसी नाम से कंसोल कराएंगे। तो ये नाम आपकी मर्ज़ी का, ये नाम कोई भी हो सकता है। ये अभी हम जब फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये फंक्शन के असल में पैरामीटर्स हैं, तो ये वहाँ पे बड़ी डिटेल में डिस्कस हो जाएंगे कि ये फंक्शन के पैरामीटर कैसे और क्या काम करते हैं। जी, सीक्वेंस यही रहेगा, हाँ, जो पहले होगा उसमें आइटम मिल रहा होगा या वैल्यू मिल रही होगी आपको हर इंडेक्स की, सेकेंड पे जो होगा वो इंडेक्स होगा। अच्छा, अब यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि एरे पे आइट्रेट किया जा सकता है मैप के जरिए। अच्छा, लेकिन मैप का जो असल काम है ना, वो भी थोड़ा समझा देता हूँ, वो एक एडिशनल चीज़ उसके अंदर है, ये कोड पुश कर दूंगा मैं, मसला नहीं है। ये जो पूरा मुन्ना है ना यहाँ पर, ये पूरी चीज़, ये एक चीज़ रिटर्न करेगा, ये जो पूरी तीन लाइन का कोड है, ये पूरा मैप है जो, ये एक चीज़ रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? इस ही एरे का एक कॉपी बना के रिटर्न करेगा, सही है। ये जो ए आर आर लिखा हुआ है ना, ये पूरा एरे रिटर्न करेगा बना के। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये खुद यहाँ से हट जाएगा। रिटर्न हमने शुरू में ये देख लिया था कि रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, कि जो चीज़ लिखी हुई है वो खुद हट जाएगी, उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ आएगी। जो दूसरी चीज़ आएगी उसको हम रिटर्न वैल्यू कहते हैं। तो इसकी रिटर्न वैल्यू, मैंने ये कहा आपसे कि एक नया एरे होगा, ठीक है, कौन सा एरे होगा, यही ए आर आर जिसका नाम है, यही एरे होगा, लेकिन इसकी एक कॉपी होगी, इसकी एक नई कॉपी होगी। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि इसको मैं जब ये रिटर्न करेगा तो इसको किसी वेरिएबल में पकड़ सकता हूँ। मैंने कहा न्यू ए आर आर, ठीक है, या मैं इसको कह देता हूँ कि कॉपी, ठीक है, कॉपी होगा, ये पुराने एरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये कॉपी होगा, ये एक नया एरे होगा, ठीक है। अच्छा, एरे में हमने क्लोनिंग पढ़ी थी, एरे क्लोनिंग वो भी नहीं पढ़ी ना अभी, वो भी देखते हैं कि कॉपी का यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो कॉपी का जिक्र हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो भी देख लेते हैं हम थोड़ी देर में। कि मैंने जैसे कहा ना कि पुराने वाले एरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये एक कॉपी होगी एरे की, तो वो भी हम अभी देख लेते हैं कि पुराने एरे से ताल्लुक वाला चक्कर क्या है, वो हमने मिस कर दिया, हमने वो एरे के टाइम पर ही पढ़ना था। अच्छा,
अब लेट कॉपी करके मैंने जो भी चीज़ यहाँ से रिटर्न हो रही थी उसको पकड़ लिया। इस कॉपी को मैं लास्ट में क्या करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब इस कॉपी के अंदर एक एरे प्रिंट होना चाहिए जिसका जो इंडेक्स है ना वो इतना ही होगा जितना इसका है, 6 1 2 3 4 5 6 हाँ 6 इंडेक्सेस का एक एरे प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, उन 6 के 6 इंडेक्सेस में क्या होना चाहिए, अभी उसमें अनडिफाइंड होना चाहिए। सही है, देख लेते हैं। ठीक है, देखो तो ये असल में, अच्छा पहले तो ये चला मैप, उससे ये प्रिंट हो गया। आखिर में जो कॉपी को मैंने कंसोल करवाया ना, लाइन नंबर 26 में जो कॉपी को कंसोल करवाया, उसमें 6 इंडेक्सेस का एक एरे प्रिंट हो गया जिसके अंदर क्या मौजूद है, अनडिफाइंड मौजूद है। हर इंडेक्स पे अनडिफाइंड है, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो इसमें वैल्यू कैसे आएगी? अब असल में मैप का जो काम है वो काम ये है कि एरे के हर इंडेक्स पे आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना, तो वो आप इससे करवाते हैं। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करने के लिए जो मैप का पूरा जो सिंटैक्स है, जो मैप का बाकायदा जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप उसको रिटर्न भी करते हैं। ठीक है, अच्छा शुरू में मैंने ये जिक्र किया था आपसे कि अगर कोई भी लाइन ऑफ कोड है जावास्क्रिप्ट में जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही, तो वो क्या रिटर्न कर रही है, अनडिफाइंड। तो यही वजह है कि ये रिटर्न जो मैंने नहीं लगाया था ना, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड बाई डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर रहा था, तो इसलिए हर इंडेक्स में वो चला गया था। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई जो ईच आइटम है ना, जो ईच आइटम है उसको एज इट इज़ रिटर्न करवा दो। तो अभी क्या होगा, ये जो मेरे पास आखिर में कॉपी निकलेगी उसमें एज इट इज़ यही डेटा होगा जो पहले इसमें मौजूद है। चल के देखते हैं। ठीक है, अब की बार देखो कॉपी में जो निकला है ना वो एज इट इज़ वही डेटा निकल गया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट टू अपर केस, लोकल अपर केस की होगी, टू अपर केस। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट का एक स्ट्रिंग का एक मेथड है कि कोई भी स्ट्रिंग और डॉट अपर केस लगाओ वो अपर केस बन जाता है। सही है, अब जो लास्ट में इसके देखो कॉपी निकली है ना, वो क्या है, वैल्यू सारी वही है लेकिन अपर केस हो चुका है, चेंज हो चुका है थोड़ा। सही है, अच्छा तो अब ये जो ये वाला एरे था और ये जो कॉपी करके नया एरे बना है, ये दो अलग अलग एरे हैं, आपस में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैंने असल में किया क्या है, मैंने इस एरे पे आइट्रेशन की और हर आइटम के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके एक नई कॉपी रिटर्न करवाई। जो नई कॉपी रिटर्न करवाई वो इसमें पकड़ में आ गई, ये पकड़ में आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? समझा नहीं मैं बात ये। नहीं, सवाल तुम पूछो तो सही, पूरा समझा नहीं मैं तुम्हारा सवाल। अच्छा देखो, रिटर्न ना कुछ भी कर सकता हूँ मैं, काम करता हूँ इसमें रिटर्न कर देता हूँ मैं एबीसी। तो अब ये जितनी दफ़ा भी घूमेगा क्या रिटर्न होगा, एबीसी। तो सारे इंडेक्सेस में एबीसी चला जाएगा, देखते हैं जी इसको। देखो सारे इंडेक्स में एबीसी चला गया। अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा वाला करके देखते हैं, मैंने कहा कि ईच एक स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ ईच आइटम और उसके साथ आई भी लगा दिया मैंने, दोनों को कॉन्कैट करा दिया असल में। अब मैं ये रिटर्न करूँगा तो हर इंडेक्स में ना जो भी बन रहा होगा इसका, ये देखो अली 0, रेहान 1, फारूक 2, ऐसे करके आ गया। ठीक है, अच्छा मैं इसमें मज़ीद कुछ ऐड कर देता हूँ, अली इज़ ऑन इंडेक्स 0, ये कर दिया मैंने। ठीक है, ये इतनी लंबी चीज़ रिटर्न करवा दी मैंने। तो पहली दफ़ा जब ये घूमेगा तो ईच आइटम में क्या मिलेगा इसको, ये पहली वाली वैल्यू अली है वो मिलेगी और आई में मिलेगा 0। तो ये स्ट्रिंग पूरा लिखा हुआ आएगा कि अली इज़ ऑन इंडेक्स 0। ये जो रिजल्ट है ना मेरा, जो कॉपी बन रही है उसके पहले इंडेक्स में ये बात चली जाएगी, सेकंड इंडेक्स में आएगा रेहान इज़ ऑन इंडेक्स 1, ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो अली इज़ इंडेक्स 0, रेहान इज़ इंडेक्स 1, ऐसे आ गया। तो रिटर्न करवाते हुए ना मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, हाँ लेकिन ये है कि वो सीक्वेंस उसका सेम रहेगा, यानी जो पहली दफ़ा में जो चलेगा वो रिजल्ट के पहले इंडेक्स में जाएगा, जो दूसरी दफ़ा घूमेगा वो रिजल्ट के दूसरे इंडेक्स में ही जाएगा। अच्छा ये समझ आया, इसको मैं काम करता हूँ 1 2 3 4 5 ना, जैसा पहले था वैसे कर देता हूँ।
अच्छा तो अब मैं, अब क्या होना चाहिए, अब लिखा हुआ है वन इज ऑन इंडेक्स जीरो, टू इज ऑन इंडेक्स वन, ऐसे लिखा हुआ है, ये कहना चाहिए ना, देखते हैं चल के, सही ये लिखा हुआ है, लिख के। अच्छा लेकिन अब ये चूंकि नंबर्स आ चुके हैं यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, हर इंडेक्स पे जाके ना मैं उसका क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ, क्या उसको जो टू लिखा हुआ होता है क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर बोलते हैं ना, स्क्वायर निकाल देता हूँ। कैसे निकलेगा वो स्क्वायर भला, मैंने कहा कि भाई ईच आइटम को मल्टीप्लाई कर दो टू से, ऐसे ही होगा, ईच आइटम मल्टीप्लाई बाई ईच आइटम, ये निकल गया स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये पहली दफ़ा जब घूमेगा तो वन मल्टीप्लाई बाई वन वन ही रहेगा, तो रिजल्ट का जो पहला इंडेक्स होगा इस कॉपी में वो वन आ जाएगा, अगली दफ़ा में टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर आ जाएगा, तो वन फोर उसके बाद सो ऑन आगे, देखते हैं जी ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है, वन फोर नाइन फोर्टी फाइव भी आ गया। अच्छा तो ये सारे जो केसेस थे मेरे पास अभी, इन सारे केसेस में मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं सारे इंडेक्सेस पे जाऊं, क्योंकि मैं सारे इंडेक्सेस का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, मैं सारे इंडेक्सेस को जो है ना कॉन्कैट करवाना चाहता हूं, या सारे इंडेक्सेस को अपर केस करवाना चाहता हूं, सही है, बीच में ब्रेक करने वाला कोई केस यहाँ पर नहीं है जी। सॉरी लूप क्या, क्यूब, हाँ क्यूब भी निकाल सकते हो क्या, तीन दफा होगा ना क्यूब में, ये तीन दफा होगा ना क्यूब में, क्यूब हो गया, पहले ये आया था स्क्वायर में, अभी क्यूब में ये आ गया। अच्छा ये फॉर लूप से भी हो सकता है ये काम सारा, ये जरूरी नहीं है कि मैप से करूं, ये फॉर लूप से भी इसी तरह होगा, मैप से भी इसी तरह होगा, मैप में थोड़ा आसान है, ठीक है, सिंटैक्स आसान है इसका, और मैप वहाँ यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पे हर इंडेक्स पे जाना है, रोक नहीं सकता है उसको। अच्छा ये मेरा ख्याल है मैप हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अच्छा अब एरे क्लोनिंग वाला ना टॉपिक रह गया था, वो भी ज़रा बता देता हूँ मैं। अच्छा देखो भाई बड़े गौर से समझ लो, ये अच्छे अच्छे डेवलपर के ना नाक में दम कर देता है अगर उसको ये कॉन्सेप्ट सही तरह समझ में ना आया तो। एक वेरिएबल था जिसका नाम था ARR और उसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई थी, सही है, वन टू थ्री फोर फाइव। अच्छा उसके बाद मैंने कहा कि लेट कॉपी इक्वल्स टू ARR, तो अब ये जो ARR था ये पूरा उठ के कहाँ चला गया, कॉपी में चला गया। अब ARR में भी वही वैल्यू है, कॉपी में भी वही वैल्यू है, दोनों को मैं यहाँ पे कॉन्सोल भी करा लेता हूँ मेक श्योर करने के लिए कि भाई ऐसा ही हुआ या नहीं। मैंने कहा ARR और मैंने कहा कि भाई कॉपी और कॉपी, जाके उसको मैं ज़रा चला के देख लेता हूँ, सही है, ARR में भी वही सेम चीज़ है और कॉपी में भी वही सेम चीज़ है। अच्छा अब अगला काम मैं ये करता हूँ, मैंने कहा भाई ARR डॉट पुश ARR डॉट पुश न्यू आइटम, सही है, इस ARR में मैंने एक नया आइटम पुश करवा दिया। तो अच्छा इस ARR को मैंने कंसोल भी करा लिया फिर साथ साथ कि भाई इसमें वाकई नया आइटम पुश हो गया कि नहीं हो गया, सही है, ये शुरू के दो आ गए, उसके बाद यहाँ पे नया आइटम भी पुश हो गया न्यू आइटम। साथ साथ मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी को भी प्रिंट करवा लेता हूँ, ये क्या मसला हो गया, जो चीज़ ARR में मैंने पुश की थी वो कॉपी में भी पुश हो गई। दोबारा चला के दिखा देता हूँ फ्रेश करके, ये शुरू के दो कॉन्सोल हैं,
और ये पुश करने के बाद के दोनों कॉन्सोल हैं, पुश तो मैंने एक में किया था। अच्छा तो अब मैं इसमें ए आर आर के अंदर मैं कैसे करके पुश करूं जो कॉपी में वो रिफ्लेक्ट ना हो। अब ए आर आर में मुझे ऐसे करके पुश करना है कि वो कॉपी में क्यों जा रहा है। अच्छा चलो कॉपी में पुश करते हैं, मैंने कहा कॉपी में पुश करो, सही है, सम आइटम नाम भी चेंज कर दिया मैंने ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये दोनों में चला गया, फिर अब कॉपी में पुश कर रहा हूँ तो भी ए आर आर में जा रहा है, सही है। पहले मैंने ए आर आर में पुश किया था तो कॉपी में जा रहा था, अभी कॉपी में, चलो दोनों में पुश करता हूँ। सही है, न्यू आइटम, न्यू आइटम लिखा है, एक में मैंने सम आइटम लिखा है। अब मैंने रिफ्रेश किया, वो दोनों दोनों में चला गया, आपस में एक दूसरे में जा रहा है। अब इसका हल कौन बताएगा मुझे? कुछ सोचो, कुछ दिमाग लगाओ। चलो अब कहानी सुन लो कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो जानना है ना कि हो क्यों रहा है, ताकि उस रीज़न को ख़त्म करेंगे हम। जब मैंने ए आर आर यहाँ पर क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दी, तो मेमोरी के अंदर इसने एक जगह ऑक्यूपाई की, मेमोरी में इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक इतनी जगह दे दी जिसमें ये रह सके। अच्छा, जब ये वाला काम मैंने किया ना, मैंने कहा वेरिएबल बनाओ एक कॉपी और उसके अंदर ए आर आर में जो कुछ है वो उसमें रखवा दो, तो इस कॉपी को मेमोरी में नई जगह नहीं मिली। ये उसी को पॉइंट कर रहा है, ये पुराने वैल्यू को, यानी रैम के अंदर ये एक ही वैल्यू सेव है और वो दो अलग अलग वेरिएबल में उसको भेजा हुआ है। तो मैं इस वेरिएबल को चेंज करूँगा तो भी रैम में जो एक पड़ी हुई है वही चेंज होगी, मैं दूसरे को चेंज करूंगा तो भी रैम में जो पड़ी थी वो चेंज होगी। यही वजह है कि देखो मैंने एक में पुश करता हूँ, रिफ्लेक्ट दोनों में होता है, क्योंकि मैं भले कॉपी में पुश करूँ या एआरआर में पुश करूँ, वो असल में रैम में दूसरी जगह है ही नहीं, एक ही जगह रैम में, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, क्या एरे से कोई दुश्मनी है खास कि उसको जगह नहीं दी मेमोरी में? नहीं, यहां पे दे दिया, यहाँ पे मेमोरी में इसको नई जगह नहीं दी। अच्छा क्यों नहीं दी, अब समझाता हूँ। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं उसके नेटिव वेरिएबल, जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हमें मिलते हैं, सही है, या उसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, एक अलग अलग एक ही बात है। और एक होते हैं नॉन नेटिव या नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते, वो अलग से कंस्ट्रक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, वो अलग से कंस्ट्रक्ट बना के हमें दिया हुआ होता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि वो असल में होता नहीं है, वो हमें लग रहा होता है कि वैसा है, वो असल में होता नहीं है, सही है। जैसे एरे जो है वो उन्हीं में से एक है, एरे जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है, एरे इट्सेल्फ कोई डेटा टाइप नहीं है। अब वो कंस्ट्रक्ट क्या होता है ये अगर आपको मौका मिले तो अलग से डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़िएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्ट्स वो किस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। कोई छोटी मोटी वीडियो देख लीजिएगा डेटा, असल में मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि डेटा स्ट्रक्चर भी थोड़ा यहाँ पे कवर करता, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से शायद यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा। तो अब जो नेटिव वेरिएबल है वो कौन कौन से है भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर? वो है नंबर, वो है आपका बूलियन, सही है, स्ट्रिंग भी है किसी ना किसी दर्जे में, सही है, ये तीन हो गए। और ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट भी यही है, नंबर स्ट्रिंग और बूलियन, बस मेरे ख्याल तीन ही है, और तो नहीं है। अच्छा, और अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड ये सारे, ये भी वो नेटिव ही हैं ये सारे। अब जब नेटिव वेरिएबल
मैं इससे थोड़ा सा एक पहले ना नेटिव वेरिएबल बनाना, मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू 5, सही है, मैंने कहा लेट कॉपी ऑफ ए इक्वल्स टू। अब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ना, यहाँ पे वेरिएबल ए बना, उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरा बना कॉपी ऑफ ए और उसमें मैंने ए रखवा दिया, तो ये रेफरेंस पास नहीं करेगा इसका, ये ऐसा नहीं करेगा कि मेमोरी में एक ही है उसी को इसमें दे दिया, ये मेमोरी में नई जगह क्रिएट करेगा, मेमोरी में नया एलोकेशन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये नेटिव है, ये इसका अपना है, ये कंस्ट्रक्ट नहीं है, ठीक है, इस वजह से यहाँ तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं इस ए को चेंज करूँगा तो वो अपना चेंज हो रहा होगा, कॉपी ऑफ ए को करूँगा वो अपना हो रहा होगा, ठीक है, वो करके देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी सिर्फ एरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर भी आएगी, ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लोनिंग भी हम देखेंगे, उसमें भी इसी तरह करना पड़ेगा। अच्छा, तो मसला ये है कि अब इस लाइन के अंदर ख़राबी है कोई, मुझे इस लाइन को कुछ करना पड़ेगा जिससे क्या हो, ये एरे जो है वो रेफरेंस पास नहीं करे बल्कि क्लोन करे, ये क्या करे, ये क्लोन करे, मतलब वैसा ही एक देख के ना एरे पूरा नया एरे बनाए। अच्छा, क्या उसका तरीका है, उसके 3-4 तरीके हैं। नंबर एक तो है मैप, जो अभी हम देख चुके हैं, ठीक है, देखो फॉरन इसने सजेस्ट कर दिया, क्या बकवास है यार। अब देखो ये जो मैंने किया ना, कॉपी इक्वल टू एरे डॉट मैप, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ईच आइटम को एज इट इज रिटर्न करवा दिया, अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि ये मैप क्या करता है, एक नई कॉपी बनाता है उसकी, पुराने वाले को एज इट इज नहीं पास करता है, एक नई कॉपी बनाता है, नई कॉपी बनाने का मतलब है मेमोरी में नई जगह लेता है वो। अब जब मैं कॉपी में कुछ चेंज करूंगा तो वो ARR से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, देख लेते हैं अभी सेव करा के उसको, ये शुरू के दोनों हैं, उसके बाद देखो ARR में न्यू आइटम भेजा था, एक ही गया उसमें, कॉपी के अंदर मैंने सम आइटम भेजा था, एक ही गया उसमें, दोनों आपस में अलग अलग हैं, ठीक है। अब एरे को क्लोन कराने के और भी तरीके हैं, इसको मैंने रोक दिया यहाँ पे, एक तरीका ये था, एक और देख लेते हैं हम, एक है स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, डॉट 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 लगाया मैंने 3 दफ़ा और मैंने कहा ARR, सही है, इससे भी ये क्या हो गया, क्लोन हो गया। अच्छा, ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, ES6 के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया स्प्रेड ऑपरेटर, इसका ये सिंपली क्या हो रहा है कि मैंने एक ना समझ जो एक नया एरे बनाया, ये जो है ये एक नया एरे है ना, मैंने कहा कॉपी इक्वल टू एक नया एरे, अब इसमें मैं हाथ से लिखता 3, 5, 2, 4 ऐसे हाथ से लिखता ना, मैंने कहा कि यार एक काम करो डॉट 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 ARR में जो कुछ भी है ना उसको ला के खोल के यहाँ रख दो, कॉमा कॉमा लगा के जो भी है वो रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो अब इससे भी क्या हुआ, बड़ी ऑब्वियस बात है क्योंकि एक नया एरे है, अब वो जितना भी है ना वो जैसे 5 इंडेक्स है तो 5ों को खोल के रख दो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई एक और भी एरे है, मैंने कहा डॉट 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 ARR2 के नाम से कोई एरे है उसको भी ला के रख दो, वो सेकंड पे आ जाएगा, तो ये सबको ला के एक जगह रख के एक नया एरे के, तो ये भी क्या है, क्लोनिंग हो जाएगी इससे भी आपकी, ठीक है। अब 4-5 तरीके इसके और भी हैं, बहरहाल अभी मैं गूगल पे जाके लिखूंगा तो वो सारे आ जाएंगे एक साथ, एरे क्लोनिंग, ये सारे तरीके हैं, जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ये सारे वो तरीके हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, एरे को क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये वाला करके देख लिया, ये स्लाइस वाला नहीं करके देखा, ये नहीं करके देखा, कॉनकैट वाला भी नहीं देखा। अच्छा, मैप वाला इसमें जिक्र नहीं किया उन्होंने, मैप वाले का जिक्र नहीं किया इसमें, मैप भी एक तरीका है वैल्यू, तो अभी इसका ना बहुत सारी जगहों पे लोगों ने कंपैरिजन भी किया हुआ है कि कौन सा वाला फास्ट है, कौन सा वाला किस मौके पे ज़्यादा फास्ट रहता है,
बहरहाल एक एज अ स्टूडेंट या एज अ जूनियर डेवलपर आपको अपने जहन पे ये जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कौन सा फास्ट है कौन सा गया है, काम हो रहा है सारे सही है, काम सारे कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको जिसका सिंटेक्स जो है वो क्या कहते हैं सही लगे वो वाला आप कर रहे हैं। ये वाले आंसर को 3000 लोगों ने कहा कि ये सही है। इस मेथड में ऐसा पता नहीं क्या है जो बाकियों में नहीं है। वेल डॉट स्लाइस हाँ नहीं नहीं मेरा नहीं है सवाल, क्या कह रहे हो, मेरा कान बंद है थोड़ा सा। हाँ है तो सही, वो जो 5-6 तरीके उन्हीं में से एक है ये, लेकिन इतने सारे लोगों ने इसको क्यों बोला ये मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा इसने कुछ लिखा भी है नीचे, हाँ बेसिकली स्लाइस ऑपरेशन क्लोन्स द एरे एंड रिटर्न द रेफरेंस टू अ न्यू एरे। अच्छा वो कह रहा है मेमोरी लेवल पे ही उसको डुप्लीकेट कर देता है और जस्ट उसका रेफरेंस देता है। हाँ सही है फिर तो, जाहिर है ऑब्वियस बात है अगर ये मेमोरी के लेवल पे इसको डुप्लीकेट करे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मैप क्या करेगा प्रोसेसिंग पावर भी तो यूज़ करेगा ना, घूमेगा जितने इंडेक्सेस हैं उतनी बार घूमेगा। तो इसने लिखा है कुछ, अभी लंबी दास्तान है यह पढ़ लीजिएगा आप। नीचे कमेंट्स पे भी 112 136 लोगों ने जो है ना इसको बोला हुआ, कुछ कमेंट भी चले हुए हैं इसमें, बड़े बड़ी कोई मेच्योर किस्म की बातें चल रही हैं यहाँ पर, सही है। तो अच्छा स्टैक ओवरफ्लो पे आप सब लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि अकाउंट बना लिया होगा, अकाउंट बना लो इसके ऊपर और स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन पूछना भी शुरू करो, जवाब दे पाओ तो जवाब देना भी शुरू करो। स्टैक ओवरफ्लो की जो रेपुटेशन है वो आप रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो पे आपने जो सवाल जवाब किए हैं ना उससे पता चलता है कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम, एक क्रेडेंशियल है आपका। स्प्रेड ऑपरेटर अभी इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ है नहीं, स्प्रेड एक ऑपरेटर है सही है, यूनरी ऑपरेटर है, जैसे होता है ना दो ऑपरेंट्स चाहिए होते हैं, इसको दो ऑपरेंट नहीं चाहिए एक चाहिए, यूनरी ऑपरेटर है। जैसे नॉट उसको एक चाहिए, जैसे प्लस प्लस है वो भी एक चाहिए होता है सही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के जो ऑपरेटर है, तो उसी तरह ये एक यूनरी ऑपरेटर है। इसका काम ये है कि ये क्या करता है खोल के रख देता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कॉन्सोल डॉट लॉग में जाऊँ अभी मैं कॉन्सोल, जैसे ये जो पहला वाला मेरा कॉन्सोल है ना इसमें मैं क्या करूँ अगर डॉट 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 लगा के ऐसे कर दूँ, नहीं यार ऐसे नहीं, इसको मैं ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड है सही है, मैंने स्ट्रिंग के टेम्पलेट के अंदर करके उसको लिखा है, एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। तो अभी इसको मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसका किस तरह का रिजल्ट होता है। देखो लाइन नंबर 35 में ना ये इस तरह से बन के आ गया, यही था ना लाइन नंबर 35 हमारा, ठीक है। देखो इस तरह से प्रिंट हो गया मेरे पास। तो इसका काम यही है कि एरे को ना ये ऐसे खोल के खड़ा कर देता है लाइन से, उसका और इससे ज़्यादा काम है नहीं कोई, तो बस यही है इसमें। अच्छा ये क्लोनिंग हमारा हो गया डिस्कस, ये सबसे क्लीन तरीका लगता है मुझे जो लाइन नंबर 33 में लिखा हुआ है, तो मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करता हूँ, लेकिन वो सारे जो 5 तरीके हैं उनमें से कोई भी यूज़ करें सही है सारे। अच्छा और हमने आज क्या डिस्कस करना था,
सही है, मैंने फोल्डर का नाम भी चेंज कर दिया है, एरे मैपिंग एंड क्लोनिंग, सही है, क्योंकि मैप भी जो है वो असल में मैपिंग है, समथिंग कंटिन्यूस। अच्छा जी, अब हम जो है ना एक अपने असल मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा भाई, अब जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शन जो है ना वो बड़ा मेजर एक पार्ट होता है। यहाँ पे मैंने आपके सामने ना एक फंक्शन बनाया, सही है, जिसका नाम क्या है, ऐड। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐड, और वो फंक्शन कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करता है। हम जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, रिटर्न वैल्यू जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो यहाँ पे हमें पता चलेगा वो रिटर्न वैल्यू असल में हो कैसे रही होगी, पीछे चल क्या रहा होता है उसका। तो ये रिटर्न वैल्यू जो है यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी आज। अब इस फंक्शन को ना समझने के लिए हम एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बल्कि पहले इसका सिंटैक्स समझाता हूँ। देखो ये जो फंक्शन है ना, इसका सिंटैक्स क्या है, हमने जैसे देखा था फॉर लूप में कीवर्ड फॉर से स्टार्ट होता है तो पता चल जाता है कि अच्छा यार ये एक फॉर लूप है। अच्छा, इसी तरीके से आपका जो लेट है, अभी लेट देखता है जब आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप लेट लिखते हैं तो आपका कंप्यूटर जब वहाँ पहुँचता है लेट के वहाँ उसको पता चल जाता है अच्छा ये वेरिएबल बनने वाला है। तो इसी तरह जहाँ पर कीवर्ड आ जाता है फंक्शन, जहाँ पे कीवर्ड आ जाता है फंक्शन, तो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, एक फंक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये सबसे पहले तो कीवर्ड आपको यहाँ पे चाहिए, उसके बाद फंक्शन का नाम चाहिए आपको, फंक्शन का एक नाम, जैसे वेरिएबल का कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं, वैसे आप कोई भी नाम यहाँ रखते हैं। मैंने इस वक्त नाम रख दिया ऐड, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शन वही है जो वेरिएबल के नाम में होती है ना, कि नंबर से शुरू नहीं हो सकता और डॉलर और अंडर स्कोर, तो वो नेमिंग जो कन्वेंशन है वो वेरिएबल वाली सारी इस पर अप्लाई हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन या पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, आप गोल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, लेकिन असल नाम इसका है पैरेंथेसिस, जो डेवलपर्स जो नाम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद दो अदर पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये पैरामीटर ज़रूरी नहीं है, दो तीन चार पाँच छः भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऑप्शनल होते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस हो गया क्लोज, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन इतना समझ में आ गया। उसके बाद जी, हाँ पैरामीटर, अभी जब फंक्शन कॉल करेंगे ना तो वो पैरामीटर उसको देने होते हैं, अभी हम कॉल करके देखते हैं फिर पता चल जाएगा। अच्छा, इतनी चीज़ हमने समझ ली कि फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, फंक्शन के पैरामीटर्स, एक दो तीन चार जितने भी पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर ऑप्शनल है, नहीं भी दो तो मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक अदद करली ब्रेसेस, और यहाँ पे करली ब्रेसेस ख़त्म, ये कहलाती है फंक्शन की बॉडी, सही है। अच्छा,
जब इस फंक्शन, इतना कोड लिखने से ना कुछ भी नहीं होगा, इतना कोड लिखने से कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई मेमोरी में ना तो ये जगह लेगा, कोई इसका असर आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, क्योंकि ये फंक्शन जस्ट अभी क्या हुआ है, रजिस्टर हुआ है, ये चला नहीं है अभी, ये रजिस्टर हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इस फंक्शन का नाम, इस फंक्शन का मैंने नाम पुकारा। ये फंक्शन क्योंकि दो पैरामीटर लेता था, ये डिक्लेरेशन में पता चल गया था, डिक्लेयर हो गया था कि ये दो पैरामीटर लेगा, तो मैंने वो दोनों पैरामीटर यहाँ दिए, ठीक है। अब मेरे लिए देना ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर चाहिए उसको, तो मैंने ये दोनों पैरामीटर इसको दिए और ऐसे ही ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दी। तो ये जो ये वाली जो चीज़ है ना, दैट इज़ कॉल फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अच्छा, मैं जितनी दफ़ा चाहूँ उसको कॉल कर सकता हूँ। ये फंक्शन करता क्या है, इसके पैरामीटर में जो भी इसको नंबर मिलता है, हम मैंने दिया 3.6 जो कि यहाँ पे इसको ए और बी के तौर पे मिल रहा है, इन दोनों को प्लस करके रिटर्न कर देता है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी चीज़ गायब हो जाएगी और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यही मतलब है ना। ये दो वैल्यू जो इसको मिली है इसको ये प्लस करके रिटर्न कर देगा, तो इसका मतलब यह है कि ये जो बात लिखी हुई है ये खुद गायब हो जाएगी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जो इसकी रिटर्न वैल्यू वो आ जाएगी। और मेरे केस में मुझे ये पता है कि इसकी रिटर्न वैल्यू होगी 9, सही है, तो यहाँ पे 9 इस तरह से आ जाएगा। स्ट्रिंग में देंगे तो कॉन्कैटिनेट, अभी वो अभी तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, ठीक है। असल में हम करते क्या है, हम यहाँ पे ना इस लेवल पे वैलिडेशन लगाते हैं कि भाई नंबर ही मिला है मुझे, दोनों पैरामीटर मिले भी है कि नहीं मिले, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर उसको रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है फंक्शन का। अच्छा, फिर जब यहाँ पे से वैल्यू रिटर्न हुई 9, वो रिजल्ट में जाके सेव हो गई, मैंने रिजल्ट को क्या करा दिया, कंसोल करा दिया, तो रिजल्ट में 9 कंसोल हो जाना चाहिए, 9 लिखा हुआ आ जाना चाहिए, अगर जो हमने बात की अगर वो सही है तो देख लेते हैं ये। अच्छा, ये तो वो वाला है ना, इसको कॉपी पाथ, ठीक है, ये 9 यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरे पास, इसका मतलब है जो हम सोच रहे थे वो सही है। अभी एक फंक्शन का ना हेलो वर्ल्ड हमने बना लिया, फंक्शन का हमने हेलो वर्ल्ड तैयार कर लिया। इस ऐड के फंक्शन को मैं एक दफा और भी कॉल कर सकता हूँ, मैं कहूँगा रिजल्ट 2, ठीक है, और रिजल्ट 2 को मैं कंसोल भी करा लेता हूँ। रिजल्ट 2 के टाइम पे मैंने इसको कोई डिफरेंट वैल्यू दे दी, 23+2 दे दिया, सही है, कोई डिफरेंट वैल्यू दे दी, तो रिजल्ट 1 में 9 आएगा, रिजल्ट 2 में क्या आएगा, 25 आ जाएगा, सही है। ये ऐड का फंक्शन मैंने एक दफ़ा और कॉल कर लिया, डिक्लेरेशन क्योंकि तो हुई भी है मेरे पास, मैं जितनी दफ़ा चाहूँगा इसको मैं कॉल करूँगा, तो देखते हैं रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दोनों में, देखो एक जगह 9 आया, एक जगह 25 आ गया, सही है। तो इस लाइन को देख के हमें ये समझ में आया कि द फंक्शन इज रीयूजेबल। कोई भी फंक्शन अगर हम बनाते हैं वो रीयूजेबल होता है। अगर मैंने एक फंक्शन बना लिया है कि उसको एक नंबर दिया जाता है, उसका वो स्क्वायर रूट निकाल के देता है हर दफ़ा, तो एक बार मैंने वो फंक्शन बना लिया, मैं उसको जितनी बार कॉल करूँगा वो अलग अलग नंबर के साथ कॉल करूँगा, वो मुझे स्क्वायर रूट देता रहेगा जी। नहीं, ऊपर आने की जरूरत नहीं है। देखो जब फंक्शन जैसे वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल अगर यहाँ डिक्लेयर किया है तो पूरे कोड में कहीं पे भी मिलेगा वो, इसी तरह फंक्शन अगर एक बार रजिस्टर कर दिया है तो पूरे कोड में कहीं पे भी वो फंक्शन कॉल करोगे तो उसको वो मिलेगा। अच्छा, अब वो एग्जाम्पल ज़रा मैं बताता हूँ जो उस टाइम में बताने वाला था, बताते बताते रुकिए। फंक्शन, चलो हेलो वर्ल्ड तो बन गया, ठीक है, कॉल भी कर लिया, ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी, देखो मेरी ज़िंदगी का मसला सब में बड़ा है हेयर ड्रेसिंग, अभी भी देखो ऐसे बना हूँ मुझे आज ज़िंदगी में हेयर ड्रेसर ढंग का नहीं मिला, सही है, सस्ते वाले भी देख लिए, महंगे वाले भी देख लिए, सारे ऐसे ही हैं। जब पहली दफ़ा जाओ ना तो वो देखता है नया कस्टमर आया तो
वो खूब जो है ना मक्खन भी मारता है आपको, और वो थोड़ी पता नहीं हेयर ड्रेसर में एक अजीब सी बात है, आप उनके पास बैठो ना वो अपनी अचीवमेंट्स आपको बताना शुरू कर देंगे और चुप भी नहीं होंगे। मतलब मैंने शाहरुख खान के बाल काटे थे, अरे भाई तो मैं क्या करूँ, बोर नहीं होने देते। लेकिन कस्टमर जब सॉफ्टवेयर डेवलपर हो ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर वैसे भी बोर नहीं होगा, ये थोड़ी अजीब सी शायद बात लगे आपको। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को आप आमतौर पर देखेंगे वो बैठा हुआ होगा, अब बिल्कुल खामोश बैठा हुआ होगा, किसी से कोई बात नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो खुश होगा, उसके दिमाग में ये होगी कोडिंग चल रही होती है, ठीक है, वो सोच रहा होता है कि यार कोई फला प्रॉब्लम कोई भी उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो वो खामोश बैठा हुआ होगा, बिल्कुल शादी में बैठा हुआ है, बिल्कुल खामोश होगा एक कोने में और खुश होगा वो, उसको कोई बंदा नहीं चाहिए। वो कोडिंग ही उसके लिए काफ़ी है, उसको बिजी रखने के लिए, जो उसके दिमाग में किसी कोने में फंसी हुई है कि भाई जैसे अभी मैंने आज ये बात बता दी थी ना वो एरे क्लोनिंग वाली, कि वो एक का दूसरे में जा रहा था, अब मैं उसका अगर सॉल्यूशन नहीं बताता ना तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से ज़्यादातर ना ख्वाब में देख रहे होते हो कि ये एरे एक से दूसरे में कैसे जा रहा है। तो बहरहाल तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को ना इस तरह की इंटरटेनमेंट शायद चाहिए नहीं होती, इसलिए मुझे बुरा लगता है। वेल तो भाई वो बोलना शुरू करेगा और वो चुप ही नहीं होगा। अच्छा पहली दफ़ा मैं बाल भी बड़े अच्छे काटेगा, थोड़े महंगे वाले होते हैं ना जो 700-800 वाले, पहली दफ़ा में बाल भी बड़े अच्छे काटेगा वो, लेकिन अगली दफ़ा जब हम जाएंगे ना तो वो उसको पता है मैंने सारी इसको हाँक दी है शेखियाँ अपनी, वो फिर एक कुछ ना कुछ भंड मार देगा और वो कहेगा अबे यार अच्छा लग रहा है, ऐसे कह रहा है कि नया डिज़ाइन है ना अच्छा लग रहा है, तो कुछ ना कुछ बोल के वो कवर अप करेगा। तो आइडियल केस क्या हो, आइडियल केस क्या हो कि मैं जाऊँ एक हेयर ड्रेसर के पास, जो कि पहली दफ़ा ये होता भी है, पहली दफ़ा मैं गया बैठा, मैंने उसको जाके बताया कि यार मेरी ना सीज़र कटिंग काटनी है, ठीक है, अब एक बाकायदा एक स्पेसिफिकेशन है जो उसको बतानी पड़ती है कि यार बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना बाल को, बच्चों की तरह नहीं काट देना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रखना, ठीक है, उसको हाथ से बताना ही पड़ता है कि इतने इतने रखना, या वो मशीन से बताना पड़ता है कि यार 8 नंबर 10 नंबर मशीन के साइज़ का काटना, ठीक है, आगे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबे खड़े नहीं कर देना, छाता ना बना देना, ठीक है, उस यहाँ कलम के पास से कट नहीं लगाना, कट लगा देते हैं यहाँ से वो, अगर उसको सीधा रखना है कट नहीं लगाना, सही है, पीछे से जो है वो छील के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है, कानों के पास से छील के ऊपर नहीं करना, थोड़ा जब जहाँ तक नेचुरल बाल है वहीं से ही लाइन बनाना उसकी, देख रहे हो कितनी स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ रही है मुझे। फिर मैंने कहा यार दाढ़ी कैसी बनानी है, ये जो चीज़ है पिलर इसको स्क्वायर रखना है, उसको वी कर देते हैं बहुत सारे, मैंने कहा वी नहीं करना है स्क्वायर रखना है, ठीक है, ये जो नीचे वाली दाढ़ी की लाइन है ये जो नेचुरल लाइन है यहीं से लाइन खींचना, ये पूरी स्पेसिफिकेशन मैंने उसको बता दी, जी सर हाँ हाँ सर, वो एज इट इज़ वैसा ही कट गया पहली दफ़ा में। अब मेरे साथ मसला ये है कि मैं अगली दफ़ा जाऊँगा ना तो मुझे ये सारी बातें दोबारा से उसको ऐसी इसी तरह बतानी पड़ेगी, क्योंकि बाल कटवाने जाता है बंदा 1.5 महीने बाद एटलीस्ट, तो अब ये थोड़ा मसला है कि मैं अगली दफ़ा जाके दोबारा उसको ये सारी बातें बताऊँ। आइडियल केस ये हो कि मैं ना इस हेयर कट का एक नाम रखूँ, मैं बोलूँ मलिक हेयर कट, पहली दफ़ा मैं उसको ये सारी बातें समझा दूँ मैं कि मलिक हेयर कट में ना ये होता है सारा, ऐसे ऐसे होता है, मलिक हेयर कट नाम है उसका। अच्छा फिर अगली दफ़ा जब मैं जाऊँ तो मैं मुझे ये पूरी कहानी ना समझाना पड़े, मैं उसको बोलूँ यार मलिक हेयर कट सेमीकॉलन, सही है, तो उसको ये बात समझ आ जाए, वो सब पता चल जाए उसको पीछे वाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल हेयर ड्रेसर के केस में नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा पॉसिबल है, सही है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, पूरी स्पेसिफिकेशन उसमें लिख दी कि यार आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस नंबर का आपने ना फला फला तरीके से उसको प्रोसेस करना है जो भी लिखा मैंने, और आखिर में रिजल्ट निकाल के रिटर्न कर देना। अब जब नीचे वो काम मुझे करना होगा ना, मैं जब उसका नाम पुकारूंगा वो काम करेगा। अच्छा कोई बहुत मुश्किल सा फंक्शन बताओ, मतलब बहुत मुश्किल सा कोई काम बताओ जो एक नंबर के साथ हो सकता है, फैक्टोरियल जैसे, ठीक है,
ठीक है, फैक्टोरियल को मैं एक नंबर देता हूँ, 5 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है ना सब लोगों को? अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ सुना है मतलब सुना भी मैंने प्रोग्रामिंग में ही आ गया था, ऐसे ही आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ रहा था मतलब आप लोगों की तरह, तो टीचर ने बताया कि फैक्टोरियल भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, वरना मुझे पता नहीं था। अच्छा ज़िंदगी में आज तक यूज़ भी कभी नहीं किया, प्रोग्रामिंग में सिर्फ प्रोग्राम ही बनाया उसके इंटर नहीं किया ना मैंने, यही तो बात है, मैंने डी ए किया है, सी आई डी में, वो हमने नहीं पढ़ा, पढ़ाया तो होगा उन्होंने जी सी टी की ही एफिलिएशन थी, वो एक हमारे घर के पास है मोनोटेक्निक, तो पढ़ाया होगा उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन वो मुझे नहीं पता वो कब पढ़ाया था क्या पढ़ाया था, 12 खैर, तो वो जैसे फैक्टोरियल है बड़ा मुश्किल सा काम होता है, उसके लूप शूप लगाने पड़ते हैं उसके साथ, तो मैंने फैक्टोरियल का एक फंक्शन बना दिया कि भाई आपको ना जब ये नंबर दिया जाए तो आपने उसका ऐसे फैक्टोरियल निकाल के दे देना, अब एक काम करते हैं, इतने कोड को हम करते हैं कमेंट, एक और बनाते हैं छोटा सा क्लिक इसी तरह का फंक्शन, क्यूब, क्यूब का फंक्शन बना लें, नहीं यार क्यूब बहुत सिंपल है, थोड़ी सी कोई मुश्किल चीज़ बताओ, एवरेज एरिया, एरिया तो मुझे भी नहीं आता, ऐसी बताओ चीज़ जो मुझे आती हो, एवरेज का ही निकाल लेते हैं, चलो हाँ। अच्छा एवरेज के अंदर ना मुझे क्या मिल गया, जाहिर है एरे मिलेगा एक, क्योंकि एवरेज में तो 10 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो मुझे एक अदद यहाँ पे ARR मिल गया, ठीक है, सिंगल पैरामीटर, पहले 2 ले रहा था मैं, अभी सिंगल पैरामीटर है मेरे पास, ARR मुझे मिल गया। अच्छा ये मेरा भाई एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है, सम इक्वल टू 0, फॉर लूप लगा के उसको सम किया। अच्छा ये फॉर लूप मैं यहाँ पे वैसे मैप लिखता, फॉर नहीं लिखता, लेकिन मुझे ये को पायलट ने सजेशन में दे दिया लिख के, तो मैंने कहा चलो ठीक जाने दो, लिख दिया अगर, ठीक है, टाइम बड़ा बचता है यार क्लास पढ़ाते हुए, बड़ी ज़रूरी है ये को पायलट। फिर मैंने क्या किया, सम को डिवाइड किया और ARR डॉट लेंथ करके रिटर्न कर दिया। अब ये मेरे एवरेज का फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जाहिर है वैलिडेशन भी तो लगानी पड़ेगी ना, एरे की जगह कुछ और ही दे दिया किसी ने फिर, तो मैंने यहाँ पे एक आधा एफ भी लगा दिया, मैंने कहा कि ARR डॉट लेंथ, ठीक है, एंड इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने उल्टा लगा दिया, नॉट ARR डॉट लेंथ ही काफी था, सही है, अगर ARR डॉट लेंथ अगर कुछ भी मिल जाए, 0 मिल जाए, अनडिफाइंड मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो यहां से मैंने फौरन क्या कर दिया, रिटर्न में 0 दे दिया, ठीक है, मैंने मजीद उसको आगे जाने ही नहीं दिया। अच्छा यहाँ पे जब मैंने रिटर्न कॉल किया, तो रिटर्न कॉल करने का मतलब है कि ये फंक्शन अब आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, सही है यार, मेरी आंखों में ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई तेज रोशनी नहीं देख लेता बंदा, तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, वैसा हो रहा है, यहाँ पे कोई रोशनी भी इतनी तेज नहीं है, अरे ये लाइट इसकी वजह से हो रहा है, got it।
इसी की वजह से हो रहा था। अभी मैं इस वाले लाइट का कवर नहीं है, वो शायद मेरे ग्लासेस में कुछ ऊपर से मेरी ग्लासेस पे पड़ रहा था, वहाँ से मेरी आंखों में चमक आ रही थी। अच्छा तो देखो, अब ये जो मेरा फंक्शन बन चुका है यहाँ पे, इसमें मैंने क्या कर दिया, वैलिडेशन भी लगा दी, अगर कोई मसला होगा तो यहीं से वापस भेज देगा। रिटर्न का मतलब है वापस घर जाओ, सही है, हाँ वापस यहीं से भेजेगा इसको। ये फॉर लूप लगा के इसको घुमाया, उसके बाद ये थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको, स्ट्रिंग पे चलेगा, स्ट्रिंग पे भी चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, स्ट्रिंग डॉट लेंथ मिलेगी इसको, हमारे भाई बता रहे हैं कि स्ट्रिंग पे भी लेंथ तो स्ट्रिंग पे भी मिलती है, किसी ने स्ट्रिंग दे दिया तो ये चल जाएगा, आगे बढ़ेगा और फॉर लूप पे जाके ब्रेक मतलब एरर आ जाएगा। किसी ने अगर स्ट्रिंग दे दिया एरे की जगह, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, टाइप ऑफ लगा देता हूँ, टाइप ऑफ ए आर आर इक्वल्स इक्वल्स स्ट्रिंग, कि अगर जो जो वेरिएबल जो मुझे ऊपर मिला है ना, उसकी टाइप अगर स्ट्रिंग आ रही है तो भी उसको घर भेजो, उस पर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाओ, सही है। तो ये मैंने वैलिडेशन लगा ली। अच्छा, इस वैलिडेशन में आप अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड जितनी चाहें वैलिडेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने छोटी छोटी दो बातें यहाँ पे लिखी हैं कि भाई इस केस में इसको रोक दो, तो इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो चाहें वैलिडेशन लगा सकते हैं। खैर, तो ये एक अदर मेरा फंक्शन तैयार हो गया। आप देखें आप कितनी लंबी चौड़ी स्पेसिफिकेशन है। अब इससे बेनिफिट मेरा क्या हुआ कि जहाँ पे भी मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल टू एवरेज, अब मैंने 1 2 3 4 5 का एवरेज निकाला, सही है। 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या आना चाहिए, क्या लगता है, चलो देखते हैं, चला गया, मुझे भी नहीं पता क्या आना चाहिए, 3 आ गया, सही है भाई। अच्छा, इसी तरीके से एक मैं और निकाल लेता हूँ, रिजल्ट 2, इसके अंदर वैल्यूज थोड़ी चेंज कर देता हूँ, सही है, कुछ बड़ी कुछ छोटी थोड़ी वैल्यूज डाल दी मैंने, फाइव वन नाइन इसका एवरेज आ गया। तो एक बार फंक्शन बना लिया, उसको जितनी दफा चाहूं मैं नीचे कॉल कर सकता हूं। ये फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा तो इसकी रिटर्न वैल्यू आएगी, ये खुद गायब हो जाएगा, इसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न वैल्यू, जो हम शुरू दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये रिटर्न ना लगाऊं किसी भी वजह से, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें, तो वो फिर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो वो स्टिल एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड। अच्छा, अब सोचो ज़रा कि फंक्शन किस किस चीज़ का बन सकता है, क्या दो मैट्रिक्स को सम करने का भी फंक्शन बन सकता है, बन जाएगा, क्योंकि वो क्या लेगा, वो दो अदद, ये एक इनपुट ले रहा है ना, ये दो इनपुट ले रहा था, वो भी दो इनपुट लेगा, दो टू डायमेंशन एरे लेगा वो, उसमें वैलिडेशन क्या लगेगी, उसके साइज़ के अतबार से वैलिडेशन लगेगी, ठीक है, उसके वो रो कॉलम चेक करेगा कि भाई लेंथ डॉट लेंथ इतनी है अगर, सही है मे बी, तो फिर वो अंदर उसके लूप वगैरह चलेगा कुछ, और वो रिटर्न में क्या करेगा, एक सम हुआ हुआ, यानी उसी दो जो उसको इनपुट मिले थे उन दोनों को सम करके एक तीसरा एरे बना के टू डायमेंशन एरे वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन बन सकता है कि दो मैट्रिक्स दिया मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, क्योंकि आप एक ऐप पे काम कर रहे हैं, आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जो कि
कोई इमेज प्रोसेसिंग करती है, कुछ करती है, इमेज प्रोसेसिंग में मैट्रिक्स बड़ी बड़ी यूज़ होती है। तो अब इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, क्या आप वो जगह जगह लिखते रहेंगे? नहीं, आप उसका एक ही फंक्शन बनाएंगे किसी कोने में और उसी से आप उसी को आप जगह जगह इस्तेमाल करेंगे, आप बार बार वो फंक्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में जो मैंने कोड लिखा था, अगर मैं वो आपको दिखाऊँ मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का, ये मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो आप ज़रा देखें मैंने क्या बनाया है, एक अदद फंक्शन बनाया है। अच्छा, ये फंक्शन मैंने इस लिंक से उठाया है, स्टैक ओवरफ्लो एज इट इज़, थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया इस फंक्शन को मैंने, बिल्कुल ये एज इट इज़ नहीं है। ये फंक्शन क्या करता है, ए और बी के नाम के ना दो मैट्रिक्स लेता है और उन दोनों को ये थ्री डायमेंशन लूप चला के इन दोनों को जो है ना वो करता है मल्टीप्लाई और ये रिटर्न कर देता है रिजल्ट और इंटरमीडिएट। अच्छा, ये इंटरमीडिएट मैंने इसमें ऐड किया, ये पहले से नहीं था। ठीक है, ये पहले से रिजल्ट करता था रिटर्न। सही है, तो ये मैंने कितनी जल्दी बन गया था मुझसे लास्ट क्लास में, याद है किसी को? 15 मिनट में नहीं लगे होंगे। तो ये फंक्शन मैंने उठा लिया था कहीं से इंटरनेट से, ये लिंक से उठा लिया। अच्छा देखो, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन क्या ज़िंदगी में पहली बार कर रहा है कोई? मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरे से पहले बहुत हज़ारों लोगों ने किया होगा, तो इंटरनेट पे मौजूद था ये। अच्छा, ये एक ऐसा फंक्शन बनाया हुआ है इसने कि ये डायनेमिक है, मैं ए और बी का कुछ भी साइज़ हो ना, 3x3, 4x4, 10x10, ये सबको हैंडल कर लेगा, क्योंकि ये लूप चला हुआ है डायनेमिक, ये डॉट लेंथ के ऊपर चला हुआ है। ठीक है, तो मैं जितने साइज़ का भी मैट्रिक दूंगा इसको, ये उसको हैंडल कर लेगा। सही है, तो इस तरह के जो रीयूजेबल फंक्शंस हैं वो पहले से भी इंटरनेट पे बने हुए मौजूद हैं पड़े हुए। ठीक है, ये सबको समझ में आई बात कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा, एक बाकायदा पैराडियम है प्रोग्रामिंग का, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल पैराडियम। अच्छा, फंक्शनल पैराडियम क्या होता है? अभी तो वैसे जो मोस्टली यूज़ हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम पे लोग काम करना पसंद करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी जो है वो पूरी तरह से काम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, फंक्शनल अभी भी चल रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं बीच में। ठीक है, छोटे जैसे जो ये मैंने काम किया है ना, कहाँ गया, हाँ यही जो खोल के बैठा हुआ मैं, कि एक फंक्शन बना दिया और ये फंक्शन यूज़ हो रहा है आगे चल के, इसको अगर जूम आउट करूँगा तो ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, ये क्या करता है, दो मैट्रिक्स यूज़र से इनपुट लेता है, यूज़र से इनपुट लेने के बाद उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले विस्प्ले करवा के और ये फंक्शन को कॉल कर लेता है यहाँ पे। तो दैट इज़ क्या, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कि मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए, क्लासेस नहीं बनाई, फंक्शन का इस्तेमाल किया, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग मजीद क्या होता है वो आप अलग से सर्च कर सकते हैं, अलग से वीडियोज़ बनी हुई हैं, बहुत सारी लोगों ने बना के डाली हुई, उसको आप देखिएगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। अच्छा, अभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्ट का फ्रेमवर्क जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने पहले वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे चलते थे, क्लासेस पे काम करते थे, अब वो मूव कर गए हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, अब वो मूव कर गए फंक्शनल में। जो सी लैंग्वेज जब इंट्रोड्यूस हुई थी शुरू तो उस पर फंक्शनल अंदाज में ही काम होता था, फंक्शन बनते थे हर चीज़ के और वो फंक्शन कॉल हो रहे होते थे और उसी से पूरा प्रोग्राम बनता था। फिर C++ जब आई तो उस वक्त कोई साहब थे, उन्होंने एक अपनी थ्योरी पेश की कि यार रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की तरह के होने चाहिए तो आपको उसमें सोचने में आसानी होती है, तो फिर एक पैराडियम उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो आधी दुनिया उस पर मूव हो गई, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना उस पर आसान हो गया। ठीक है, लेकिन वक्तन फवक्तन हम ये देखते रहे हैं थ्रू आउट द कोर्स, यानी जब सी लैंग्वेज जब से आई है 90s में, कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये साथ साथ ही चल रहे हैं कहीं ना कहीं, कभी एक आगे निकलता है दूसरा आगे निकलता है, इस तरह से चल रहे हैं मामला। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर भी अभी जो फंक्शनल की तरफ ये मूव हुए हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अडॉप्ट कर लिया है, कंपोनेंट सारे फंक्शन होते हैं, तो ये उसी एपिसोड की एक कड़ी है, वही एपिसोड ये चल रहा है कि भाई कभी फंक्शनल भी आगे निकल जाता है, कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आगे निकल जाता है। अच्छा, तो अब बड़े प्रोजेक्ट्स को मैंने कहा कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फोटोशॉप लेवल का जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम में उसको हैंडल करना आसान होता है, लेकिन जो आपका रिएक्ट के अंदर जो मॉड्यूलर सिस्टम है कि हर कंपोनेंट सेल्फ सफिशिएंट होगा, अगर ये वाली अप्रोच अख्तियार करें तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है।
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी जैसे वो डिबेट है ना कि सैमसंग और आईफोन, ये ऐसे एंड्रॉयड और आईओएस की ऐसे डिबेट है, ठीक है। जैसे पेप्सी और कोक की एक डिबेट है कि कुछ पेप्सी के फ़ैन हैं कुछ कोक के फ़ैन हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक डिबेट है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कुछ बंदे टेढ़े हैं बिल्कुल, वो कहते हैं यार हम तो फंक्शनल ही करेंगे, तुम्हें करना है कर रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। बाकायदा एक बड़े सॉफ्टवेयर का छोटा सा मॉड्यूल आप देखेंगे पूरा फंक्शनल होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते ही नहीं हैं। तो कुछ लोग हैं टेढ़े बिल्कुल ही, लाइब्रेरीज लिखेंगे वो कहेंगे हम तो फंक्शनल लिखेंगे भाई, जिसको यूज़ करना है करें, नहीं करना नहीं करें। अच्छा कुछ बोलते हैं कि यार हम बिज़नेस ऑनर्स हैं, हम कंपनी चला रहे हैं, हमें रिलायबिलिटी चाहिए, हम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा देखेंगे भी नहीं, ठीक है। कुछ थोड़े नरम मिजाज के हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है दोनों ही ठीक है, जिसमें बोलोगे काम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उनमें से हूँ जो कहता हूँ चलो ठीक है भाई दोनों ही सही है, क्लाइंट जिसमें बोलेगा हम कर देंगे, उसमें कोई मसला ही नहीं है। अच्छा तो ये हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शनल प्रोग्रामिंग थोड़ी सी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे हम इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। आज का आपका असाइनमेंट ये है कि मैट्रिक का जो प्लस करने वाला जो था, प्लस करने वाला जो मैट्रिक्स का हमारा असाइनमेंट था वो सब लोगों से हो गया है, ये मुझे पक्का पता है। तो उसको जो है ना फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वो मैट्रिक को मल्टीप्लाई करने वाला जो प्रोसीजर है ना, बीच का जो पार्ट है, उसका आपने फंक्शन बना देना है, सही है। कि एक पैरामीटर में एक मैट्रिक, दूसरे पैरामीटर में दूसरा मैट्रिक, उस दोनों को वो सम करके रिजल्ट को पूरे को रिटर्न कर दो। तो एक ऐसे फंक्शन बना लीजिएगा ताकि अगली क्लास में जब आप आएँ तो इस फंक्शन को हम मज़ीद डिस्कवर करेंगे, मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका ना थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो, आपको पता हो कि जो फंक्शन है ना ये लिखे कैसे जाते हैं, थोड़े बहुत जो मसले मसाइल आते हैं वो आपको पता चल चुके हों। हाँ यार एक मिनट में ज़रा कॉल ले लो। हेलो, हाँ नहीं नहीं बस अभी ख़त्म कर रहा हूँ क्लास में। क्या क्या लिख रहा हूँ मैसेज, चलो सही है देखता हूँ। हाँ चलो सही है, पूछ लूँगा फोन कर लूँगा। अच्छा तो असाइनमेंट समझ में आ गया, और अगर अभी तक जो पढ़ा है या जो मैंने असाइनमेंट दिया है इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। है किसी का कोई सवाल है? चलो फिर अगली क्लास में। जहाँ तुम्हारा, हाँ पूछो पूछो। अपोजिट हो जाए वो, तो देखो जिस तरह एरे के ऊपर आइट्रेट कर सकते हो ना फॉर लूप के ज़रिए, इसी तरह स्ट्रिंग पे भी आइट्रेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना एरे का इंडेक्स ज़ीरो, तो अगर तुम्हारे पास असद लिखा है, तुमने असद इनपुट लिया है, तुमने स्ट्रिंग में इनपुट है वो, तो तुम मिसाल के तौर पर उसका वेरिएबल का नाम रखा तुमने str1, ये वेरिएबल का नाम था इसमें इनपुट ले लिया। अब तुम str1 का इंडेक्स ज़ीरो बोलोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा, a। इंडेक्स वन बोलोगे s, फिर a फिर d, ऐसे चारों। तो तुम इस पर आइट्रेट कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का मेथड भी है, स्ट्रिंग पे डॉट रिवर्स लगाओगे तो भी उलट जाता है वो, लेकिन तुम कस्टमली उस पर अगर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर लूप के ज़रिए उस पर लूप लगा सकते हो। मेथड भी मौजूद है, फॉर लूप के ज़रिए भी ये काम हो सकता है। हाँ नहीं ये तो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे लेट str1 इक्वल्स टू, सही है कुछ भी तुमने ABC ले लिया, सही है। अब तुम जब करोगे ना ABC डॉट, तो डॉट पे ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ABC डॉट नहीं, str1 ना, str1 डॉट। देखो अब तुम्हें ना ये सारे मेथड मिल रहे हैं, सही है। ये सारे मेथड कौन से हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स हैं ये। अब इसमें एक रिवर्स भी होता है, रिवर्स नहीं दिख रहा इसमें वायरल। हाँ स्ट्रिंग डॉट सॉर्ट,
ये वाला है यार, अलग से गूगल कर लो बहरहाल। अगर मैं ये बता रहा था कि एस टी आर पे अगर तुम जो है ना इंडेक्स लगाओगे ना ज़ीरो, एस टी आर वन था ना, इस पे इंडेक्स लगाओगे ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? यहाँ पे ए प्रिंट हो जाना चाहिए। अब देखते हैं वो ए प्रिंट होता है या नहीं होता। ये देखो ए प्रिंट हो गया। फिर इसी तरीके से अब एस टी आर वन का तुम लगाओगे ना इंडेक्स वन, सही है, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, तो ये अब सारे कैरेक्टर तुम्हें एक एक करके मिलना शुरू हो जाएंगे। ए बी सी मिला चौथा क्योंकि अनडिफाइन था, अनडिफाइन एरिया। तो जिस तरह एरे को तुम कर सकते हो सेम वही काम स्ट्रिंग पे भी हो सकता है। स्ट्रिंग ही बनेगा, स्ट्रिंग ही बनेगा। स्ट्रिंग पे भी डॉट लेंथ मिलता है, एस टी आर वन पे डॉट लेंथ लगाओगे ना उसकी लेंथ मिल जाती है, सेम एरे की तरह मिलती है। रिटर्न फॉल देखो, जो रिटर्न करोगे वो आ जाएगा, जो रिटर्न में लिखोगे ना वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पे इस केस में अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ स्ट्रिंग दे दिया, अगर यही कहा था ना मैंने कि अगर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आ जाए कोई तो क्या करो, तो इस रिजल्ट में ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि मैंने वैलिडेशन में ज़ीरो करवाया। मैं कुछ और लिखूँगा वो आ जाएगा, माइनस वन लिखूँगा वो आ जाएगा। ज़ीरो प्रिंट बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? अभी इसमें ज़ीरो प्रिंट होना चाहिए ना, ज़ीरो रिटर्न होना चाहिए क्योंकि मैंने स्ट्रिंग यहाँ लगाया हुआ, तो स्ट्रिंग क्यों नहीं प्रिंट होगा? ज़ीरो ये ना, ज़ीरो प्रिंट हो गया। अच्छा भाई ये कोड में पुश कर देता हूँ।